मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा, ये चैनल बनाने का इसलिए सोचा ताकि मैं अपनी नॉलेज जो मेरे अंदर ज्ञान है 10-12 साल का मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, उनके डाउट्स क्लियर हों, वर्कआउट से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड, स्टेरॉइड से रिलेटेड, जिनिंग से रिलेटेड। तो जो मेरा आज का वीडियो है ये प्री वर्कआउट पे मैंने बनाया है। इसमें मैं मेनली 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। जो पहला है कि प्री वर्कआउट के कंटेंट्स क्या है, वर्कआउट के अंदर क्या क्या है और वो कैसे शरीर का काम करता है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि हमें प्री वर्कआउट कितना लेना चाहिए। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है कि प्री वर्कआउट कितनी देर पहले जिम से लेना चाहिए। तो गाइस शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कंटेंट्स, प्री वर्कआउट का जो मेन कंटेंट है, प्री वर्कआउट के अंदर जो मेन कंटेंट रहता है वो है कैफीन, जो कि आपको कॉफी में भी मिलता है। और कैफीन का मेन काम रहता है शरीर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना मसल्स को, एंड दूसरा उसका काम रहता है हीट प्रोडक्शन, थर्मोजेनिक इफेक्ट, जिसको जिसके कारण आपके शरीर में कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, फैट बर्न होगा और आपकी मसल्स को ताकत मिलेगी। इसमें दूसरा प्रोडक्ट होता है कंटेंट जो है नियासिन। नियासिन विटामिन डी का को बोलते हैं और उसका मेनली फंक्शन मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना रहता है, ताकत प्रोवाइड करना रहता है, एंड्योरेंस को बढ़ाना रहता है। इसमें तीसरा कंटेंट जो मेन कंटेंट है दैट इज सिट्रुलिन मैलेट। सिट्रुलिन मैलेट जो है उसका काम रहता है आपके शरीर में एल आर्जिनिन को बढ़ाना, एनहेंस करना, और जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहेगा बॉडी में, आपके जो वेसल्स हैं नसें हैं जो आपको उनको पंप मिलेगा। और उसका दूसरा फंक्शन रहता है आपकी मसल्स रिकवरी में हेल्प करता है और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें जो चौथा कंटेंट है उसका दैट इज एल आर्जिनिन। और एल आर्जिनिन का काम जो मैं बता चुका हूँ कि एल आर्जिनिन को जो एनहेंस करता है दैट इज सिट्रुलिन मैलेट। इसमें जो पांचवा कंटेंट रहता है बीटा एलेनिन। बीटा एलेनिन का काम भी आपके शरीर में फटीग को कम करना रहता है, मसल्स की फटीग को कम करता है, जिसके कारण मसल्स जल्दी से नहीं फटते हैं और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो गाइस मेनली जो पांचों कंटेंट है इनका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ, मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो प्री वर्कआउट का जो मेन काम रहता है वो आपको ताकत देना रहता है। गाइस हमेशा ये याद रखो कि प्री वर्कआउट को हमें डेली हैबिट नहीं बनाना है। अगर आपको ताकत कम लग रही है किसी दिन आपका हैवी वर्कआउट करना, आपका हैवी लिफ्टिंग करना, या फिर आपका दिन भर में आप थक चुके हो, आपने बहुत सारा काम किया है, तो आप प्री वर्कआउट को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है पॉइंट है कि हमें कितना लेना चाहिए। तो जो भी रिसर्च है स्टडीज हैं जो मैंने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग 3 से 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्री वर्कआउट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 70 किलो वजन है तो आपको 70 × 3 210 ग्राम कैफीन या प्री वर्कआउट का ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको कितना लेना चाहिए। और हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको कितनी देर पहले लेना चाहिए। तो जिम से 30 से 45 मिनट पहले हमें प्री वर्कआउट को लेना चाहिए, क्योंकि कैफीन को अपनी बॉडी या ब्लड में पहुंचने में और उसका काम स्टार्ट करने में 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। अगर आप उससे पहले लेंगे तो आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा प्री वर्कआउट का। और गाइस हमें प्री वर्कआउट लेते टाइम एक चीज याद रखनी चाहिए, इससे आपकी स्लीप साइकिल है तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको कम से कम 3 से 5 घंटे पहले सोने से पहले लेना चाहिए, क्योंकि कैफीन क्या करता है आपको नींद को कम कर देता है, आपको नींद नहीं आती है, आप एक्टिव फील करते हो। मुझे एक और चीज कहना गया, अगर कोई जो इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते, जो प्री वर्कआउट नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है, वो आप कॉफी का एक सैशेट ले सकते हैं, उसको पानी में डाल के आधे घंटे पहले, आधे से 45 मिनट पहले आप उसको पी के जिम जा सकते हो। वो भी आपको एज ए एनर्जी फ्यूल काम करेगा, आपको ताकत प्रोवाइड करेगा शरीर में।
तो गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब।